ईरान और इसराइल के बीच बीते लंबे समय से युद्ध जारी है ईरान पर हवाई हमले के बाद अब इसराइल को जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है इजरायली न्यूज आउटलेट यरूशलम पोस्ट ने देश सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि इसराइल को उम्मीद है कि ईरान मिसाइल उत्पादन सुविधाओं समेत सैन्य ठिकानों पर सफल हमले के बाद यहूदी राज्य के खिलाफ जवाबी हमला करेगा इस बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के शीर्ष कमांडर ने इसराइल को हमलों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है इसराइल की ओर से शनिवार को ईरानी सैन्य स्थलों पर किए गए हवाई हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए आईआरजीसी चीफ प्रमुख हुसैन सलामी ने कहा कि यहूदी मुल्क ने बहुत गलत किया है और उसे इसके कड़े परिणाम भुगतने होंगे ईरान की तस्लीम समाचार एजेंसी के मुताबिक हुसैन सलामी ने कहा की इसराइल शनिवार को अपने हवाई हमलों के जरिए अपने नापाक इरादे पूरे करने में नाकामयाब रहा है ये इसराइल के हमारे बारे में लगाए गए अनुमान के गलत होने को दिखाता है साथ ही इससे पता चलता है कि इसराइल कमजोर पड़ रहा है ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खेनेई ने भी इसराइली हमलों पर प्रतिक्रिया दी हालांकि उन्होंने बहुत आक्रमकता नहीं दिखाई है लेकिन हमले को इसराइल की गलती जरूर कहा खामेई ने कहा है कि हमलों को कमतर नहीं आका जाना चाहिए और बढ़ा चढ़ा भी पेश नहीं किया जाना चाहिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान ने कहा है कि उनकी आर्मी इस हमले का माकूल जवाब देगी हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान शांति का पक्षधर है और क्षेत्र में जंग नहीं चाहता है इसराइल की ओर से किए गए हमलों के बाद ईरान ने माना है कि इस अटैक में उसके चार सैनिक मारे गए हैं इसराइल का कहना है कि उसने 1 अक्टूबर के ईरानी हमलों के जवाब में शनिवार को ईरान में कई जगहों पर सैन्य स्थलों को निशाना बनाया है इसराइल ने कहा कि उन्होंने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल साइट को निशाना बनाया शनिवार तड़के इसराइल की ओर से हुए हमले के बाद अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान का अगला कदम क्या होने जा रहा है ईरान अगर पलटवार करता है तो उसके सामने एक पूर्ण युद्ध में जाने का जोखिम होगा ऐसे में देखना होगा कि वह है क्या विकल्प चुनता है ईरान पहले की तरह ही बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमले कर सकता है लेकिन इसके बाद फिर इसराइल का हमला हो सकता है और ये लड़ाई का चक्र आगे बढ़ सकता है जो पश्चिम एशिया को एक बड़े संघर्ष में धकेल देगा